वापस तो जाएंगे नहीं। अच्छा, वापस जाएंगे तो फिर भी हमको उतना ही चलना पड़ेगा, इससे अच्छा हम आगे ही जाएंगे। ऑनलाइन किया, कुछ नहीं हो रहा सर, दूसरे जगह का आदमी चला जा रहा है। हम लोग पास फॉर्म भी है, कितना भरा सर? हम लोग 10 तारीख को फिर किराया मांगने के लिए, इसीलिए हम लोग सर रूम छोड़ के भाग गया सर। सर हमें घर जाना है सर, बाहर में ना चुका है, घर बैठे रूम में बैठे बैठे रूम भाड़ा नहीं है सर, पैसा नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है सर, क्या करें? बैठा बैठे बैठे 1.5 महीना हो गया सर, क्या करूं सर? इधर मेरे पास जेब में 5 रुपया नहीं है सर, मैं क्या करूं सर? मेरे पास ऐसी स्थिति आ गई है, मेरा का ऑनर बाहर निकल कर मार दिया, इसके लिए मैं इधर आया हूँ, पैदल निकल रहा हूँ सर। मेरे पास क्या भी नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया हूँ सर, 2 हफ्ता हो चुका है, अभी तक पैसा नहीं है मेरे पास खाने के लिए सर, मैं क्या करूँ सर? ऐसा आ गया है। बोला भैया तुम लोग किधर जाता? तो हम लोग बोले जा रहे यूपी जाता, तो बोलते हैं कि कैसे खाना पीना कैसे करोगे तुम लोग? बोला भैया क्या करेगा, अभी पैसा नहीं तो क्या करेगा? बोले ठीक है दे दो, 1000 रुपये दिए। आप 1000 रुपये मुझसे ले लीजिए, शाम को खाना खा लीजिए। Travel more than 100 kilometers from Bengaluru, and we are currently at the Karnataka Andhra Pradesh border, which is right behind me. On our way here, we saw hundreds of migrant laborers, mostly from North Indian states, walking back home as no trains are available. But here at the border, the Andhra Pradesh police are very clear. They have instructions not to allow any migrant worker to pass through unless there are relevant documents. मैं आया हूँ, उस बिल्डिंग में हल्ले का अलाउ होनर नहीं दे रहा है। हम इधर से जा रहे हैं तो हमको आप व्यवस्था दीजिए रहने का और खाने का, तो हम चल रहे हैं वापस घूम के चल रहे हैं। उस रूम को हमको जाने नहीं देगा, उसमें हल्ले ही नहीं देगा, रहने नहीं देगा। इसलिए सर यही रिक्वेस्ट है, या तो हमको आप जगह दे दीजिए या तो हमको आगे जाने का अनुमति दीजिए। को लगता है कि आप चल पाएंगे वहाँ तक? हाँ चले जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे सर? कुछ हौसला बुलंद रहना चाहिए, हौसला बुलंद रहेगा तो कहीं भी चले जाएंगे।